दमोह जिले के वन परिक्षेत्र सिग्रामपुर के दूरस्थ ऊपरी पहाड़ पर स्थित वनग्राम कलूमर, जहां पर लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से वन विभाग रेंजर आश्रय उपाध्याय व वन समिति द्वारा दोना पत्तल यूनिट लगाई गई है। प्लास्टिक मुक्त माहौल, पलाश के पत्तों से निर्मित यह दोना पत्तल पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर है। जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर एवं जबेरा मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर स्थित वनग्राम कलूमर में यह यूनिट लगाई गई है, जिससे यहाँ के आदिवासियों एवं ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। यहाँ के लोग भी इस कार्य को करने से खुश हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं। मालूम हो कि इस तरह से इन दोना पत्तल का निर्माण किया जा रहा है। करीब 5 लाख रुपए की लागत से यह मशीन लगाई गई है, जिसमें अलग अलग साइज़ की थाली, कटोरी, प्लेट तैयार की जा रही है। वर्तमान में करीब 10 से 15 लोगों को इस यूनिट में रोजगार मिला है, वहीं रोजगार के साधन भी उपलब्ध हुए हैं। एशियन रिपोर्टर मयंक जैन की रिपोर्ट। अब जी कब के जबई को गट्ठा है एक धरो है। दीपू सिंह घोड़, ग्राम कलूमर का हूँ और यहाँ बेरोजगारी बहुत थी। रेंजर सर के सहयोग से दोना पत्तल मशीन लगाई गई है। यहाँ लगभग बहुत लोगों को काम चल रहा है दोना पत्तल मशीन से। हाँ, हमारे यहाँ के लड़के दूसरे मतलब गुजरात जाते थे, कहीं बाहर लोग काम करने जाते थे, अब यही गांव में रोजगार उपलब्ध हो गया।